हाँ भाई, तो कैसे हो सारे? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आ गए मेरे बेटे की बेइज्जती देखने। अब जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मेरी बातों से, उन लोगों को बता दूं, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ में नॉर्मली क्लास स्क्वाड रैंक खेल रहा था, जैसे मैं डेली खेलता हूं। अब देखो, मेरे गेम में छोटे से लेकर बड़े सभी टाइप के यूट्यूबर्स आते रहते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स मुझे पीट के भी जाते हैं और काफी सारे पिट के भी जाते हैं, लेकिन आज तक जितने भी यूट्यूबर्स आए हैं कोई भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता, सब अपनी लिमिट में रहते हैं, गेम की बातें गेम में रखते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक अलग ही लेवल का सीन हो गया। आप लोगों को पता तो होगा ही, पुरानी मूवीज आप लोगों ने देखा होगा, कुंभ के मेले में काफी सारे लोगों के बच्चे खो जाते हैं। अब मेरा भी एक बच्चा था जो कि कुंभ के मेले में खो गया था। अब वो फ्री फायर खेलने लगा था, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी भाई। वो तो कल जब ये मेरे गेम में आया तब मुझे ये बात पता चली, और गेम में आने के बाद क्या बोलता है तुम खुद ही सुन लो। गाइस, हमारे सामने आ चुके हैं यहाँ पर जसवंत और प्लस स्टार बोर्ड, ये सारे दोनों मेरे बच्चे हैं, तो पीटो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या 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 कुछ गलत सुना भाई? अरे तो भाई गलत ही सुन लिया, चलो अच्छा। अरे वो सही सुना था भाई। अच्छा भाई, यार देखो, मैं अपने फ्री फायर कम्युनिटी के सभी यूट्यूबर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे यूट्यूब करते हुए इतने साल हो गए, मैंने आज तक किसी भी यूट्यूबर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला, जब तक कोई सामने से उंगली ना करे। अब मेरे बेटे ने सामने से उंगली तो करी थी, तो अब पापा को बताना तो पड़ेगा ना कि असली बाप कौन है, कौन किसका बेटा है, ये तो बताना पड़ेगा ना, है कि नहीं भाई? तो नॉर्मली क्लैश स्क्वाड के मैं ज्यादातर गेम प्ले रिकॉर्ड करता नहीं हूं, और पहला राउंड मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं, लेकिन जब मैंने इसका लाइव ओपन किया और मैंने देखा कि ये तो बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, बहुत ज्यादा भौंक रहा है अपने स्ट्रीम पे, फिर मैंने अपनी रिकॉर्डिंग चालू की और दूसरे राउंड से मैंने अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करना चालू किया। अब देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे गेम में आते हैं और मुझे काफी सारे यूट्यूबर्स उल्टा सीधा भी बोल देते हैं और मुझे हरा भी देते हैं, वो कब? जब मेरा गेम प्ले नहीं होता है। अब यार देखो, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस दिन ये मेरे गेम में आया था उस दिन मेरा गेम प्ले भी काफी तगड़ा हो रहा था। ये देखो, इस बंदे को मैंने दिया हेडशॉट, और इतना ही नहीं, मैंने जल्दी से यहां पर जाके इसको क्लियर किया, और जब इसका दूसरा बंदा आया तो इसको भी मैंने एकदम तगड़ा अनएक्सपेक्टेड हेडशॉट दिया। तो भाई, जब मेरा गेम प्ले अच्छा होना तो कोशिश यही करो कि जसन भाई से दूर रहो, क्योंकि जब मेरा गेम प्ले अच्छा नहीं होता तो हो सकता है शायद तुम मुझे हरा दो, लेकिन जब मेरा गेम प्ले अच्छा होना तो इन जैसे ना जाने कितने यूट्यूबर्स को अकेला ही पेलने की दम रखता हूँ। ऐसा ही मुझे लग रहा था, और हम दो बंदे अलाइव थे, लेकिन अचानक से दिशा दीदी हो जाती है डाउन और मैंने रश कर दिया। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, जब भी मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, और शायद ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं ये राउंड हार गया और गलती से इस बंदे का एस हो गया। फिर देखो भाई इसका रिएक्शन। ओ भाई, क्या बात है, क्या करता है रे तेरी तो? भाई साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ऐसा लग रहा था भाई साहब ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं भारत के लिए, फ्री फायर का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया है भाई साहब ने। अरे भाई साहब, हम भी नॉर्मल यूट्यूबर हैं, वी बैज लगा है तो हैकर नहीं है भाई, हम भी नॉर्मल प्लेयर ही है। अब कोई ना, अगला राउंड आता है और अगले राउंड में ये भाई साहब मेरे सामने आ जाते हैं। अब मेरा बच्चा है, थोड़ा सा बदतमीज हो गया, तो इसको लाइन पे लाने के लिए कनपट्टी पे एक टपली मारनी पड़ेगी या नहीं? और एक जिम्मेदार पिता होने के नाते मैंने इसको एक टपली मारी और ये डाउन हो गया, लेकिन इतने में इसकी टीममेट आगे डिमित्री चला दी थी और इसको रिवाइव कर दी थी, लेकिन पापा तो पापा होते हैं ना भाई, मैंने फिर हेडशॉट मार दिया, इतने में इसके टीममेट ने मुझे सोनिया बना दिया। अब मैंने नॉर्मल फायर किया और इसके टीममेट की खोपड़ी उड़ गई, लेकिन पहले मैं सोनिया बन गया था तो मैं डाउन हो गया, लेकिन मेरे टीममेट्स ने ये वाला राउंड जिता दिया। और अगले वाले राउंड में मैं यहां पर ऊपर था और ऊपर से मैं ओरियन बनके नीचे आता हूं, और नीचे आकर मैं यहां पर इस बंदे को देता हूं एकदम तगड़ा वाला हेडशॉट, और इसको हेडशॉट देता हूं तो ये मरता नहीं है, सोनिया बन जाता है। और जसम भाई की मूवमेंट का तो तुमको पता ही है, तगड़ी सी मूवमेंट करी और ये बंदे हम पे फायर ही ना कर पाए, और इसके दूसरे बंदे को मैंने आराम से हेडशॉट मार दिया और हम लोगों ने ये वाला राउंड भी आराम से जीत लिया। अब क्या है ना, सामने मेरा बच्चा आ गया था और एक जिम्मेदार बाप होने के नाते मैंने सोचा चलो यार इसको ये वाला राउंड दे देते हैं, क्योंकि अगर इसको बहुत गंदे तरीके से हरा दिया तो बेचारा रो ना दे, और मैं अपने बच्चे को रोला नहीं सकता यार, इतना बेकार बाप नहीं हूं मैं एक बहुत जिम्मेदार बाप हूं। तो कोई ना भाई, मैंने इनको थोड़ा सा AWM से डैमेज दिया। अब मैं यहां पर इन बंदों से लड़ ही रहा था कि मेरे सामने मेरा टीममेट आ जाता है। अब मेरा टीममेट मेरे सामने आके मेरा पूरा व्यू ब्लॉक कर देता यार। वैसे ये वाला राउंड जीतने की मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन क्या करें, औलाद तो मेरी है ना, इतनी आसानी से कैसे हार जाएगा, ऑफिशियल पापा हूं भाई इसका, मुझे सब पता है इसके बारे में, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला ही। अब कोई ना, मेरे बच्चों के हो गए 3 राउंड और मेरे 2 ही राउंड थे। अब दिशा दीदी को इन लोगों ने किल कर दिया और मेरे सामने मेरा टीममेट चला गया, और मेरे टीममेट ने मेरे को बोला कि भाई आप रश करके इनकी टट्टी निकाल दो, तो मैंने रश करके इनकी टट्टी निकाल दी। बोले तो पीले पीले हेडशॉट मार दिए, क्योंकि रेड तो लगते नहीं है, लगते हैं मैंने कर नहीं रखे, कर लूंगा लेकिन बहुत जल्द। अब यहां पर तुम लोगों को दिख रहा होगा मेरे साथ हो गई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मेरे पास मेडिकिट ही नहीं थी, मैं हुआ बहुत ज्यादा परेशान मेडिकिट के लिए। आप लोग देखो, मेरा HP बहुत ज्यादा कम हो गया है और मेरे पास मेडिकिट भी नहीं थी, साथ में बॉनफायर भी नहीं थी, और मेरा हरामी टीममेट ने जाके ऐसे ही ओपनली रश कर दिया और वहां जाके मार खा गया। अब मैं इस बंदे को ग्रेनेड से मारने की कोशिश करूं, इतने में इसने तत्सुया कैरेक्टर चला के रश कर दिया और मुझे सोनिया भी बना दिया, लेकिन जब इसने मुझे सोनिया बनाया तो मैंने हार नहीं मानी और मैंने इसको मार दिया। अब हाँ, कुछ हेटर लोग ज्ञान देंगे कि भाई सोनिया की वजह से जीत गया, अगर सोनिया नहीं होती तो हार ही जाते भाई। अबे भाई, गेम का कैरेक्टर है, सामने वाला बंदा भी यूज कर रहा है, मैं भी यूज कर रहा हूं। अब एक बार इमेजिन करके देखो,
देखो अगर मेरे पास मेडिकेट होती तो क्या ये मुझे सोनिया भी बना पाता? कभी नहीं बना पाता। अब मेडिकेट ही नहीं थी तो मेडिकेट का काम सोनिया ने कर दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया क्योंकि हेटर लोग ना कमेंट करते हैं। अब मैंने इस बंदे को जब इस वाले राउंड में मारा तो देखो ये क्या बोल रहा है। भाई यार इसमें तो राइज है, जादू तूने जसवंत तेरे को तो अभी बताता हूँ। सुअर अबे भाई ये सुअर बोलने की आदत है ना तू भाई छोड़ दे, क्योंकि जब तू सुअर बोलता है ना भाई कसम से किसी सुअर से कम नहीं लगता भाई तू। एक बार देख ये तेरी फोटो है और ये सुअर की फोटो है, कोई डिफरेंस दिख रहा है? तो भाई ये सुअर बोलना छोड़ दे क्योंकि तू खुद सुअर लगता है भाई जब तू सुअर बोलता है। अब ये वाले राउंड में ये लोग दिशा दीदी पे रश कर देते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उनका जसवंत भाई उनके पास में ही था और ये सुअर सी शक्ल का देखने वाला बंदा तत्सुए चला के रश करता है और एक सेकंड में घोड़ा बन जाता है। बस फिर तो पता नहीं चलता इनकी टीम कब सिमट गई, खतरनाक तरीके से धोड़ाला कम बैक करके। तो बेटे एक बात हमेशा याद रखना, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। और हाँ यार वीडियो के एंड में आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये बंदा YouTube में कहीं पे भी दिख जाए तो कृपया करके इसको हेट ना दें। ये वीडियो जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, कुछ भी इसको उल्टा सीधा मत बोलना। एट दी एंड ये बात हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारे जसम भाई का बेटा है और तुम लोग मेरे भाई जैसे हो तो तुम लोग इसके चाचा लगते हो, तो बेचारे को कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, अपना ही बच्चा है। और हाँ भाई कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और जब ये बंदा दोबारा से मेरे गेम में आया था तो इसकी मैंने कैसी धुलाई की थी, अगर वो भी देखनी है तो पार्ट 2 लिख देना। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन, तब तक लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।